हेलो फ्रेंड, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एमसी एंट्रांस एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इफ 10x by 2 equal to 10y by 3 equal to 10z by 5 एंड x plus y plus z equal to pi, ये दो चीज आपको गिवेन है। तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 10 square x प्लस 10 square y प्लस 10 square z क्या होगा। तो यहां पर जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई गिवेन है, तो अगर आप दोनों तरफ 10 लेते हैं, 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 पाई, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 10x प्लस 10y प्लस 10z इक्वल टू 10x इंटू 10y इंटू 10z। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व भी किया होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई है, तो आप क्या करेंगे, z को उस तरफ ले जाएंगे, दोनों तरफ 10 को लगाएंगे, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे कि ये जो 10x by 2 है, 10y by 3 है और 10z by 5 है, इसको हम k मान लेते हैं। 10x by 2, 10y by 3 और 10z by 5 है, इसको हम k मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10x इक्वल टू 2k हो जाएगा, 10y इक्वल टू 3k हो जाएगा और 10z इक्वल टू 5k हो जाएगा। तो इसको अगर यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 2k प्लस 3k प्लस 5k और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k 3k 5k, तो यहां पर k क्यूब आ जाएगा और 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8 2 10, तो यहां पर 10k इक्वल टू 30k क्यूब, तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1k यहां से कट जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 10 by 30, दैट इज 1 by 3, तो यहां पर k का वैल्यू आपका निकल गया 1 by √3। तो यहां पर k का वैल्यू क्या आ गया आपका, 1 by √3। निकालना क्या है आपको, 10 square x, 10 square y और 10 square z। तो इसको मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, तो 10 square x और प्लस 10 square y प्लस 10 square z है। तो 10x का वैल्यू क्या है, 2k, तो 2k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर और 5k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4k स्क्वायर, फिर ये हो गया 9k स्क्वायर और ये हो गया 25k स्क्वायर। तो k स्क्वायर 9 4 13, 13 और 25 कितना हो गया, 38। ठीक है, 38, और यहां पर k का वैल्यू 1 by √3 है, तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 by 3, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 38 by 3। तो ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहा हूं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 3x लाइंग इन द इंटरवल 0 to π, मतलब इसके कितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि 0 से π के बीच में आते हैं। ठीक है, यहां पर 0 और π इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 3x है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 sin 3x आ जाएगा और cos 2x आ जाएगा इक्वल टू sin 3x। यहां पर साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। यहां पर sin 3x कॉमन आप ले लो, ठीक है, sin 3x कॉमन आ गया, तो 2 cos 2x और यहां पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके दो पार्ट हो गए, sin 3x इक्वल टू 0 हो गया और एक हो गया cos 2x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहां पर sin 3x इक्वल टू 0 हो गया और यहां पर 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो cos 2x क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 3π हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 3π तक ही रखते हैं, क्योंकि 3 अगर यहां जाएगा तो ये डिवाइड होके क्या बचेगा, पाई बचेगा, तो इसके बाद वाले को लेने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा 0 π/3, 2π/3 और ये यहां पर पाई बचेगा। यहां पर 4π लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4π/3 करेंगे तो वो आपके पाई के रेंज से बाहर चल जाएगा। तो इसका मतलब साइन 3x इक्वल टू 0 से आपके 4 सॉल्यूशन आए,
उसके बाद यहां पर कोस 2x इक्वल टू क्या है, हाफ है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो यहां पर 2x इक्वल टू पाई बाई थ्री आएगा और एक आएगा 5 पाई बाई थ्री। हालांकि इसके आगे और भी सॉल्यूशन आएंगे पर वो फिर आपके रेंज से बाहर चला जाएगा। तो यहां पर x इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई सिक्स और यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाई सिक्स। तो ये सभी सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो ये जीरो से लेके पाई के बीच में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, चार और दो छह। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपके सिक्स होंगे।